नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। विराट न्यूज वैन पर हुए हमले के बाद और बीजेपी विधायक पर लगे आरोपों के बाद इन नेताओं को अब यह डर सताने लगा है कि इनकी पोल जल्द खुल सकती है, लेकिन अपनी साख बचाने के प्रयास बीजेपी विधायक ने करने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विराट न्यूज वैन पर हुए हमले को नया रूप देने की साजिश बीजेपी विधायक लगातार कर रहे हैं, साथ ही अपने ऊपर लगे हमलों के आरोपों से बचने की कोशिश भी लगातार इनके द्वारा की जा रही है। मीडिया पर हुए हमले की पाक साफ तस्वीरों के बावजूद बीजेपी की तरफ से विराट न्यूज की वैन पर हुए हमले को मनगढ़ंत बताने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, हमले की जांच कराकर अपने आप को सही साबित करने की हिम्मत भी इन स्थानीय बीजेपी विधायकों की नहीं हो रही है, बल्कि न्यूज वैन के साथ की गई तोड़फोड़ को भाजपाई गुंडे कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का किया धरा बताने में जुट गए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं और तथाकथित जनसेवकों को जो जनता की आवाज को दबाने की कोशिशें लगातार करते आ रहे हैं। बीते शनिवार को विराट न्यूज वैन के साथ की गई तोड़फोड़ के बाद से ही जनता समझ चुकी है भ्रष्टाचार की असली जड़ें कौन से विधायक से जुड़ी हुई हैं। भाजपाइयों के द्वारा की जा रही सियासत पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। फसल नष्ट करने का मामला है, उसमें मीडिया ने आवाज उठाया तो उस पर हमला किया गया जी। अब दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि किसी दूसरे के द्वारा भाजपा को बदनाम करने का मामला आ रहा है, बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या साजिश है, किस तरह से घटना घटी, क्या कहते हैं सर? ये सरकार आपकी है और सब आपकी है, किसान प्रधान देश है तो किसानों के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। बताइए, खड़ी फसल को तोड़वाया जाए, जेसीबी चलवाया जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहिए और सरकार आपकी है। जब सरकार आपकी है तो हम आम आदमी क्या कर सकता है भाई? सरकार आपकी है तो आप स्वयं कर सकते हैं, उसकी निष्पक्ष जांच कराएं। किसी का भी अपराधी हो तो जवाबदारी तो प्रशासन की भाई, सरकार जब आपकी है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, है ना? तो हम एक आम पब्लिक क्या करेगा भाई, सरकार के पास जाएगा ना, है ना? दूसरे पर आरोप लगाना क्या मान भाई, दूसरे पर आरोप लगाते हैं जब आपकी सब पुलिस है, आपका हर माने सारी चीज सब आपकी है, सरकार आपकी है, तो दूसरे पर जांच लगाएं तो क्या फायदा निकलेगा भाई? स्वयं जांच कराइए ना उसकी। जरभोरा में फसल नष्ट करने का मामला आया, उसमें खबर दिखाई गई तो मीडिया पर भी हमला हुआ। आज अपने बचाव के लिए निष्पक्ष जांच ना कराकर किसी दूसरी पार्टी पर डाला जा रहा है कि कोई दूसरी करवा दिया, बचाव का प्रयास, क्या लगता है आपको, किस तरह से राजनीति चल रही है? देखिए, सरकार जब कोई काम गलत करती है तो विपक्ष का काम है आवाज को उठाना, और विपक्ष जब सचेत रहेगा तभी सरकार की नाकामियों को सामने लाया जा सकता है। और जिस तरह से चौथे स्तंभ मीडिया के द्वारा उस घटना को उजागर किया गया, हरी फसल को काटने की क्या जल्दी थी, 10 दिन आप रुक जाते, कम से कम वो फसल राजसात होती तो सरकार को ही लाभ होता। लेकिन इस घटना को जिस तरह से टीवी चैनल में दिखाया गया, फिर टीवी चैनल के साथियों के साथ मारपीट, टीवी फोड़ना और उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, मेरा एक ही सवाल है सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी साइबर सेल, फिर आप दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप में हिम्मत है तो सामने आइए, जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी करिए। आरोप लगाना और आरोप दूसरे के ऊपर मढ़ना ये सरकार का काम नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए। उस मामले को उठाने पर मीडिया पर हमला हुआ, सरकार प्रशासन भाजपा की कार्रवाई न करवाकर वास्तविक आरोपी को न पकड़ कर ये कहलाया जा रहा है कि किसी गुंडे के द्वारा हमला करवा दिया गया, किसी दूसरी पार्टी के द्वारा हमला करवा दिया, क्या मानते हैं कि किस तरह से ये बात चल रही, किसको दबाने का प्रयास किया? ये तो मैं ये मानता हूँ कि चौथे स्तंभ को दबाने का काम किया जा रहा है, कि चौथा स्तंभ मीडिया जो है वो मेरी सच्चाई को उजागर न कर पाए, इसलिए ये सब चल रहा है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। चूँकि किसी भी न्यूज़ चैनल की LED तोड़ना, बैन पे हमला करना और उन पर घातक हमला करने के लिए और सारा सब कुछ उनके पास है, सरकार उनकी है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उसकी निष्पक्ष जाँच करा लें। वैसे जाँच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने हमला किया, किसने करवाया। क्या बचने का तरीका है कि दूसरे पर डाल दो कि साजिश रची जा रही है? अब ये तो एक हमें तो ये पूरा एक साजिश समझ में आ रही है। जब सैया भय कोतवाल तो डर का है, जब सारा सब कुछ उनका है तो उसमें तो यही साबित हो रहा है कि जब सब कुछ उनका है तो जांच करवाएं, वैसे ही समझ में आ जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।